कुछ ही घंटे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लाया था। रेजोल्यूशन में यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए रशिया की निंदा का प्रस्ताव था और रशिया से कहा गया था कि रशिया यूक्रेन के अंदर अपनी फोर्सेस का इमीडिएट, कंप्लीट और अनकंडीशनल विड्रॉल करे, यानी रशिया तत्काल प्रभाव से यूक्रेन से अपने सारे के सारे सैनिक वापस बुला ले, वो भी बिना किसी कंडीशन के। इस रेजोल्यूशन के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होनी थी। ये तो लगभग सबको पता था कि रशिया इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको गिरा देगा, लेकिन वोटिंग से पता चलता कि यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद कौन सा देश रशिया के समर्थन में है और किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। इससे अमेरिका प्रयास कर रहा था कि वो रूस को आइसोलेट कर देगा। मीटिंग से पहले रशिया और अमेरिका दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला था कि भारत उनके पक्ष में वोट डाले और इस ऐतिहासिक क्षण में उनका साथ दे। पिछली बार जब इस तरह का रेजोल्यूशन लाया गया था तब चाइना ने एक तरफा रशिया को सपोर्ट किया था जबकि भारत ने वोटिंग से अब्सटेन किया था, लेकिन तब के समय रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करके उसके ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी थी, इसलिए उस समय हमारे वोटिंग से अब्सटेन करने से कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। मगर इस बार रशिया ने कुछ लाइंस जरूर क्रॉस की हैं। रशिया यूक्रेन के ऊपर एग्रेशन तो दिखा रहा है, लेकिन पिछले कल रशिया ने स्वीडन और फिनलैंड को भी धमकी दे दी है कि वो देश भी नाटो को ज्वाइन ना करें, वरना उनको भी रशिया की तरफ से मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एक तरह से कह दो तो रशिया ने स्वीडन और फिनलैंड को भी ये कह दिया है कि अगर वो नाटो को ज्वाइन करते हैं तो उनका भी वही हाल होगा जो आज की डेट में यूक्रेन का हो रहा है। भारत को ये सब चीजें देखकर बहुत ही सोच समझकर वोटिंग करनी थी और पिछले कल ऐसा हुआ भी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन के ऊपर चर्चा में बहुत ही ज्यादा बहसबाजी हुई, लेकिन वोटिंग से क्लियर हो गया कि कौन सा देश किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो रशिया को यूक्रेन के ऊपर हमला एकदम रोककर सारे सैनिक वापस बुलाने थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 15 में से रशिया के फेवर में बस एक ही वोट पड़ा था और वो भी रशिया का खुद का था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 11 देशों ने इस रेजोल्यूशन के समर्थन में वोट दिया, लेकिन रशिया का एक वोट 11 के 11 देशों के वोट्स के ऊपर भारी पड़ा क्योंकि रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गिरा दिया। वहीं 3 देश ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग से अब्सटेन किया, ना रशिया के फेवर में वोट किया और ना ही अमेरिका के। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर अब्सटेन करना भी एक तरह से रशिया को समर्थन देना ही है। 3 देश जिन्होंने वोटिंग के दौरान अब्सटेन किया वो थे चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत। जी हाँ, भारत ने भी इस वोटिंग के दौरान अब्सटेन किया। इसी के साथ भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत ही परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि यूक्रेन में हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं निकाला जा सकता है। ये बड़े दुख और खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना चाहिए। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर अब्सटेन करने का विकल्प चुना है। वैसे ये भी सच है कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर अब्सटेन करना यानी वोट ना देना वो भी एक तरह से रशिया को सपोर्ट करना ही है। खैर, आपको क्या लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव के ऊपर वोट ना डालकर भारत ने क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।